मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बदमाश लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर बदमाशों ने शुक्रवार की रात को मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के सीएनजी पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बदमाश नकदी लूट कर फरार हो गए। हालांकि पंप के मैनेजर ने जब बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने मैनेजर को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चारों बदमाश दो बाइक पर सवार होकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अपराधियों को क्या पुलिस का खौफ नहीं है, जिसके चलते मेरठ में लगातार लूट का सिलसिला जारी है। यहाँ पे 10 बजे के बाद जो हम अपना रीडिंग लेके जाते हैं अंदर जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ खड़े सामने वो आए अंदर को, चल भाई अंदर चलो। मैं सोचा मजाक कर रहे हैं, जब मैंने देखा उनके हाथ में बंदूक, तो मैं जैसे बंदूक देख के मैंने मोबाइल निकाला अपना और 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश की। इतने मेरे उन्होंने मोबाइल छीन लिया और बटवट मारी। हम सबके 6 या 5 जने थे और कैश छीन लिया। कैश लेकर चलने के बाद उन्होंने मैनेजर के गोली। कितना कैश होगा? 10 लाख रुपये। देखिए, गंगानगर क्षेत्र में करीबन 10 बजे एक घटना कार्य हुई, जिसमें 4 बदमाश एक पेट्रोल पंप पर आए, उन्होंने कुछ पैसा लूटा, व्यक्ति को जांघ में गोली भी मारी। पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया, FIR दर्ज की जा रही है, अभी कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया फर्स्ट एड है वो अवेलेबल कराया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कितने की लूट है अभी चीज़ क्लियर नहीं है, लोगों से पूछा जाएगा। हाँ।